एक नौसिखिया और लापरवाह ट्रैक्टर ड्राइवर 8 लोगों की जान ले बेटा और 29 लोग अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। डीजल कम जले इसलिए बिना ट्रैक्टर चालू किए ड्राइवर पहाड़ की ढलान पर लुढ़काते हुए नीचे उतारने लगा और जब स्पीड बढ़ने से स्टीयरिंग कंट्रोल न कर पाया तो खुद कूद गया। इस दौरान करीब 50 महिला और बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ढलान पर एक बिजली के खंभे से जा टकराई और 100 फीट की गहरी खाई में पलट गई। हादसा झुंझुनू के उदयपुरवाटी इलाके में मनसा माता मंदिर से 1 किलोमीटर दूर सोमवार शाम करीब 6 बजे पहाड़ी पर हुआ था। मृतकों में 6 महिला श्रद्धालुओं और 2 बच्चे शामिल हैं। इधर 15 घंटे से यानी मंगलवार सुबह तक BHDRF की टीम खाई में लोगों को रेस्क्यू कर रही है। वहीं PM मोदी ने मंगलवार सुबह ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि की घोषणा की है। हादसे में घायल 24 को उदयपुरवाटी CHE और 14 को पोंक CHE पहुंचाया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार अधिकतर श्रद्धालु उदयपुरवाटी के राजीवपुरा और मणाकसास गांव के ग्रामीण थे। दरअसल मनसा माता की पहाड़ियों में 24 मई से दुर्गा महायज्ञ चल रहा था। वैसे तो हर दिन भंडारा चल रहा था लेकिन सोमवार को माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में विशेष भंडारा किया गया था। पचलंगी के नज़दीक राजीवपुरा के ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे।